मुंबई स्थित डांस इज लाइफ आर्ट एंड स्टडी सेंटर में बीट द हिट समर कैंप को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस संस्था के निदेशक आशुतोष दीक्षित ने बताया कि विगत दो वर्षों की अभूतपूर्व सफलता के बाद इस साल भी संस्था में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई विधाओं के व्यवस्था की गई, जिसमें संगीत, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटिशियन, मेहंदी, नृत्य, इंग्लिश स्पोकन, मार्शल आर्ट, एरोबिक्स, स्मार्ट लुक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिफेंस, सिलाई कढ़ाई, कथक की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यह समर कैंप आगामी 21 मई से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। कि गर्मी की छुट्टी में कभी बच्चों के टाइम वेस्ट ना हो, और जो लोग सोचते हैं कि हमें बाहर जाके एंजॉय करना चाहिए, बाहर की जगहों पे घूमना चाहिए वगैरह वगैरह चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि एक महीने में वो कुछ सीखें, वो उस टाइम को एंजॉय करें। बाहर जाते हैं, अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन वो सही जगह नहीं मिल पाता है, उन लोगों को सही एरिया नहीं मिल पाता है। तो आरा में मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी फैसिलिटीज दी जाए कि हर लोग कुछ आर्ट सीखे। आर्ट सीखने से उनके वो शेड्यूल कुछ लाइन टाइम तक जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को मेरा यही कहना है कि कभी भी आप अगर आरा में इन सब टाइप की फैसिलिटीज मैं अवेलेबल कर रहा हूँ तो उसको एंजॉय करें। आप इस बार अपने जो संस्था इसमें क्या अलग कर रहे हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ आए और उस चीज़ों को सीखे, क्योंकि जिस प्रकार से डांस इंस्टीट्यूट का क्रेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है अपने शहर में, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें फ्यूचर नहीं, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होता है डांस के माध्यम से। कई लोग अपना एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बढ़ता है, लेकिन अभी फिलहाल जो परिस्थिति है डांस के प्रति लोगों का थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, ये समय की बात है, लोगों के मेंटेलिटी की बात है। आज भी डांस उतना ही इंटरेस्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो बच्चे इंटरेस्ट से सीखते हैं, सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर हम बेस्ट काम देंगे तो कोई भी इंटरेस्टेड होके हमारे पास सीखेगा। अगर हम बेस्ट नहीं देंगे तो कोई भी हमारे पास नहीं आना चाहिए। बच्चों के लिए खास क्या होगा आपके समर कैंप में? इस बार हम लोग का प्लान है कि बच्चों के टूर पे ले जाना है और एक एंजॉय करने वाला मोमेंट देना है, और बच्चों को ये ना फील हो कि हम अगर कहीं कैंप में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो बेकार हो रहे हैं। ऐसा टाइम उनका बेकार नहीं हो रहा है, वो एंजॉय करेंगे। और मैंने ये भी देखा है कि लगभग 2 साल से मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास हमारा कॉल भी गया है, तो उनको इंटरेस्ट लगा, उन्होंने ये बोला कि सर फिर से कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, मैं जरूर आऊँगा। उनका यही कहना है। एक माह के समर कैंप में बच्चों को क्या क्या खास सिखाया जाए? इस बार हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए स्पेशली डाला है गर्ल्स सेल्फ डिफेंस, कथक, कंप्यूटर के क्लासेस डाले गए हैं। उसके बाद लेडीज और जो लड़कियाँ हैं कि उनको मान लीजिए कुछ नॉर्मल कुछ कुछ चीज़ें सीखनी होती, जैसे कि ब्यूटिशियन हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गया, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहीं पार्टी फंक्शन में डांस करना है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं पार्टी फंक्शन में डांस करना है, तो उसके लिए उनको डांस और म्यूजिक इन सब सारी चीज़ों को कराने की भी सुविधा इस बार हम लोग उपलब्ध कराए हुए हैं। कैंप की जगह कैसा चयनित किया है? हमारा कैंप हमारी संस्था जहाँ है चंदवा मोड़ डांस इज लाइफ वहीं पर है। वेल सेफ एरिया है हमारा, वहाँ सीसीटीवी क्लासरूम, सेफ एक्टिविटी एरिया, सब कुछ अंडरकवर सीसीटीवी रखा गया है कि कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। बच्चों को आने जाने के लिए लाने ले जाने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उसमें भी हमने ये फैसिलिटी दिया है कि जो भी बच्चे आएंगे जाएंगे उनके लिए हमारा एक स्टाफ उन बच्चों को छोड़ने जाएगा, उन बच्चों को लाने जाएगा। फैकल्टी कहाँ के रहेंगे यहाँ जो आपके यहाँ जो सीख रहे हैं? कुछ फैकल्टीज हमारे आरा के हैं, कुछ फैकल्टीज को हमने बाहर से लाइनअप किया है, जैसे पटना से कुछ फैकल्टीज हमारे इस बार आ रहे हैं जो कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सब चीज़ों के लिए पटना से इस बार गिटार के फैकल्टी आ रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ नेशनल लेवल से काम कर रहे श्री बख्शी विकास जी के स्टूडेंट अनीश जी इस बार हमारे यहाँ कथक के लिए स्पेशली क्लास कर रहे हैं। तो इस टाइप की हाई क्वालिटीज के साथ इस बार हम लोग कैंप लेके आ रहे हैं।